Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 401 Differential Equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. लास्ट लेक्चर में हमारा एक टॉपिक रह गया था, पॉपुलेशन डायनेमिक्स. पहले हम इसे डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं. पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या होती हैं? सम नेचुरल क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉपुलेशन प्रॉब्लम आर एज फॉलो. कुछ नेचुरल क्वेश्चन है जो हमारे पॉपुलेशन से रिलेट करते हैं. व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन कंट्री आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 ईयर के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी. हु आर द प्रोटेक्टिंग रिसोर्स फ्रॉम द एक्सटेंशन, यानी हमारे प्रोटेक्टिंग रिसोर्स कैसे होंगे. द इजीएस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक मॉडल इज़ द एक्सपोनेंशियल मॉडल. हम इजीएस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक मॉडल को एक्सपोनेंशियल मॉडल भी कहते हैं. ये मॉडल भी बेस करता है अजम्पशन पे. द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, यानी जो रेट ऑफ चेंज है पॉपुलेशन का वो प्रोपोर्शनल हो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. रेट ऑफ चेंज होता है हमारे पास डेरिवेटिव. ये देखें, पी टी मैयर द पॉपुलेशन ऑफ द स्पेसेस एट एनी टाइम टी. ये टी टाइम पे इसे मैयर करती है. तो इसका यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है वो हम इस तरह से राइट करते हैं, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी. के इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी. ये हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. ये वाली इक्वेशन है हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी है और ये हमारे पास सेपरेबल भी है. अब हम इसे लीनियर इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करेंगे. लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ये हमारे पास हो जाएगा डी पी ओवर डी टी. माइनस के पी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो ये हमारे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई. यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे यू ऑफ एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन ले लेंगे और इसके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे. के ऑफ टी आ जाएगा माइनस के ऑफ टी और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ हम राइट कर देंगे. और फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, हम होल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ई की माइनस के टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ भी ई की के टी. अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट का लॉ बन रहा है. ई की के टी डी डेरिवेटिव ऑफ पी, फिर ई की के टी का डेरिवेटिव ऑफ पी एज इट इज़. तो इन्होंने इस प्रोडक्ट लॉ को पी ई की माइनस के टी, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी. इसलिए इन्होंने इस फॉर्म में यहाँ पे इसे राइट कर लिया इज इक्वल टू ज़ीरो. जब हम इसे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा. फिर हमने दोनों तरफ ले लेनी है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसिल आउट हो जाएंगी तो ये हमारे पास पी ई की के टी इज इक्वल टू सी के आ जाएगा. अब हमने यहाँ से पी की वैल्यू चाहिए तो हम इसे इस साइड पे ले जाएंगे. ये माइनस साइड तो इधर आके ये साइन पॉजिटिव हो गया. अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू, पी नोड इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन, देन पी नोड इज इक्वल टू पी. पी नोड है वो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन है, देन जो पी ज़ीरो है वो इज इक्वल टू पी नोड के. सो दैट सी इज इक्वल टू पी नोड एंड ऑब्टेन पी टी इज इक्वल टू पी नोड ई की के टी के इक्वल है. क्लियरली वी मस्ट हैव के ग्रेटर देन ज़ीरो. यहाँ पे हमारे पास के ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये हमारी इक्वेशन इंक्रीज करेगी, अदर अगर लेस देन ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन कम्युनिकेशन इज नॉन एज टू इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट एट एनी टाइम. पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन कम्युनिटी, यानी जो पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी है वो इंक्रीज़ करती है रेट ऑफ द प्रोपोर्टेशन को. नंबर ऑफ़ द पीपल प्रेजेंट एट द एनी टाइम के नंबर ऑफ कितने पीपल हैं एक ही टाइम पे प्रेजेंट. द पॉपुलेशन हैज़ डबल इन 5 ईयर. अगर पॉपुलेशन डबल हो जाए 5 ईयर में, हु लॉन्ग वुड इट टू टेक ट्रिपल, और ट्रिपल कितने ईयर्स में होगी. इफ़ इट इज़ नॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी इज़
10,000, अगर पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी 10,000 है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, वट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन, तो इसके इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी, वट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 ईयर, ये हमने फाइंड करनी है कि इनिशियल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन 13 ईयर हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले है सपोज पी नोड इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड पी टी इज़ द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, देन द पॉपुलेशन ग्रोथ इज गवर्न्ड बाय द डिफरेंट इक्वेशन डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी, ये हमारे पास इक्वल होगा के पी के। एज वी नाउ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो अभी हमने ऊपर फाइंड की थी, पी टी इज इक्वल टू पी नोड के टी सीन्स पी इज इक्वल टू 5 टू पी नोड। अब ये पी इज इक्वल टू 5 कैसे आए, ये देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन था द पॉपुलेशन हैज़ डबल इन 5 ईयर, 5 ईयर पी 5 इज इक्वल टू 2, यानी 5 ईयर में डबल हो जाएगी, पी 5 इज इक्वल टू टी टू पी नोड। देयरफॉर द फॉर्म लास्ट इक्वेशन वी हैव, और जो हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है हमने इसकी जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट किया टू पी नोड, यहाँ पे हमने 2p पुट किया है pt की जगह पे p नोड a की, t हमारे पास क्या था 5 टाइम 5, यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया, p नोड हमारे पास जो था ये वाला p नोड इस p नोड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा a की 5k इज इक्वल टू 2। अब हमें चाहिए k की वैल्यू, क्या हम करेंगे, हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेना है, इस साइड पे भी नेचुरल लॉग ले लेंगे और इस साइड पे भी हम नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कटिंग आउट हो जाएंगे, 5k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब इसे हमने डिवाइड कर देना है 5 से, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास 0.6931 पॉइंट आएगा, फिर हमने इसे 5 से डिवाइड कर देना है, ये हमारे पास जो आ जाएगी ये हमारे पास k की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्या करना है, देयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी पी ऑफ टी जो हमारी रियल इक्वेशन है, पी ऑफ टी पी नोड ई की, यहाँ पे हमने के की पावर पुट कर देनी, के की पावर हमारे पास ये फाइंड की थी हमने, ये यहाँ पे पुट कर देनी। इफ टी वन इज़ द टाइम टेकन फॉर द पॉपुलेशन टू ट्रिपल, यानी टी वन है वो टाइम लगेगा जब हमारी पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी। अब हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे डबल थी तो हमने यहाँ पे 2 राइट किया था, अब ट्रिपल हो गई, यहाँ पे हम 3 पी नोड ई की, ये हम यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट की, ये टी वन, अब यहाँ से हमें टी वन की वैल्यू चाहिए, पी नोड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास ई की पावर 0.1386 टी वन, दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग ले लेना, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कनेक्टिंग आउट हो जाएंगे और इस वैल्यू को हमने इधर डिवाइड कर देने, तो टी वन नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 0.1386, पहले हमने नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेनी है, जो वैल्यू आएगी उसे इस पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसे हम 8 राइट कर सकते हैं, 8 ईयर्स, 8 ईयर के बाद जो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी वो ट्रिपल हो जाएगी। नाउ यूजिंग द इन्फॉर्मेशन, अब हमने ट्रिपल के लिए हमने यूज़ किया था कि 10,000 वो ऑब्टेन फ्रॉम द सोल्यूशन दैट, हम एक बार अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देखें, If we know the population of the community is 10,000 after 3 years, यानी population of community 10,000 होगी after 3 years, 3 years के बाद, अब यहाँ पे P3 is equal to 10,000, यहाँ पे हमने 10,000 राइट की, ये हमने K की वैल्यू जो फाइंड की थी वो पुट की इस इक्वेशन में, और ये हमने जो T की वैल्यू क्या है 3, वो पुट कर दी, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेने, और यहाँ से हमें क्या चाहिए P नोड की वैल्यू, तो हमारे पास ये वाली पूरी इक्वेशन को हम इधर आके 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो और पी नोड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी नोड 6598 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने हेंस द सोल्यूशन ऑफ द मॉडल, इस मॉडल का जो सोल्यूशन आया है ये हमारे पास पी नोड की वैल्यू हमने रियल इक्वेशन में पुट की ई, और यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू थी वो हमने पुट की, सो दैट द पॉपुलेशन इन 30 ईयर इज गिवन बाय, ये तो हमारे पास इनिशियल आ गई थी, अब हमने 13 ईयर्स की फाइंड करनी थी, तो हमने यहाँ पे 13 ईयर्स राइट की, यहाँ पे भी 30 पुट किया, यहाँ पे टी की जगह 30 पुट किया, और फिर यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली और इनको मल्टीप्लाई करके पी 30 की वैल्यू आ गई 42279 की इसकी हमारी वैल्यू आ गई है। लेक्चर नंबर 11 रेडियो एक्टिव डिकेसी। इन फिजिक्स आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्टिंगेट और ट्रांसमिट इनटू द आटम्स ऑफ एन अदर एलिमेंट, फिजिक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ट्रांसमिट करते हैं आइटम को दूसरे एलिमेंट्स में,
मैनी रेडियो मटेरियल डिस्टिंग्विश एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेजेंट के। अब यहाँ पे देखें इसकी इक्वेशन डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए से रिप्रेजेंट किया, के इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मटेरियल और इसकी जो इनिशियल अमाउंट है ए नोड, यानी ए ज़ीरो इज इक्वल टू ए नोड, ये हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करेंगे बाय लीनियर इक्वेशन और सेपरेबल मेथड। लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे इस साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस के ए हो जाएगा। फिर हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, जैसे हमने प्रीवियस डायनामिक में किया था वैसे ही हमने इसे सॉल्व कर लेना है और ये इक्वेशन फाइंड करनी है, ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई की के टी। फिर देखें इसमें एक चीज़ और है, द कॉन्स्टेंट के कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो कॉन्स्टेंट के है वो डिटरमाइन करता है हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव मटीरियल की। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज द टाइम इट टेक फॉर वन हाफ ऑफ द आइटम्स, यानी आइटम जितने भी हैं उसका हाफ ले लेना इन एनी इनिशियल अमाउंट और उसके इनिशियल अमाउंट में से टू डिस्टिंग्विश ट्रांसमिट इनटू द आइटम एंड अदर एलिमेंट, उन आइटम्स को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देना। द लॉन्गर द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेस द मोर स्टेबल इट इज, टी डिनोट द हाफ लाइफ, यानी जो टी है वो डिनोट करता है हमारी हाफ लाइफ को। ए टी इज इक्वल टू ए नोड डिवाइडेड बाई टू, हमने इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें ऊपर जो हमने एक पेन फाइंड की थी वहाँ पे ए टी की जगह ए नोड टू हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ए नोड टी। ये देखिए ए नोड यहाँ भी है यहाँ भी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वन ओवर टू ई की के टी। अब हमें इस टू को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास ई को इधर ले आएंगे, ई की माइनस के टी हो जाएगा और यहाँ पे टू, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लेना है, तो नेचुरल लॉग और एक ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस के टी बचेगा, माइनस को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है, के टी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टू, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, देयरफॉर इफ वी नाउ टी वी कैन गेट के एंड वीसा वर्जा, हम जैसे कि हमें टी का पता है तो हम के को फाइंड कर सकते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल इज गिवन मैनी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी हाफ लाइफ के फार्मूले फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिए गए हैं, उनमें से ये हाफ लाइफ है सी माइनस 14 इज 5568 प्लस माइनस 30 एयर। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल वन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 16 डेज, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिसकी हाफ लाइफ है 16 डेज, वी हैव 30 ग्राम एट द एंड ऑफ द 30 डेज, हमारे पास 30 ग्राम है एंड ऑफ द 30 डेज, 30 डेज के लास्ट में, हु द रेडियो आइसोटोप वाज इनिशियली प्रेजेंट, यानी जो रेडियो आइसोटोप है वो इनिशियली प्रेजेंट कैसे है, लेट ए टी बी द अमाउंट ऑफ द प्रेजेंट टी, ए टी से टी हमारे टाइम को प्रेजेंट करता है, ए हमारा इनिशियल वैल्यू अमाउंट को प्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी इक्वेशन राइट कर ली है, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के ऑफ ए, हमारे पास 30 ग्राम है 30 डेज के लिए, ए 30 इज इक्वल टू 30, और जो हमारे पास इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई की के टी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, हमने यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में हमने के की वैल्यू फाइंड की थी, के टी हाफ लाइफ का फार्मूला है के टी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टू, जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया रेडियो एक्टिव में वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाई टी, टी कितना था हमारे क्वेश्चन में 16, ये इसकी हाफ लाइफ होगी, पहले हमने लेना है नेचुरल लॉग ऑफ टू और इसे डिवाइड कर देना है 16 पर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, के की जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। फिर हमारे पास था ए 30 इज इक्वल टू 30, अब हम इसकी जगह पे 30 पुट कर रहे हैं ए टी की जगह पे, ये हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया, ए नोड ई की 30 के। अब यहाँ से हमारे पास 30 था तो इधर ये हमारे पास इधर जाके ये जो वैल्यू थी ई की माइनस 30 के हो गई है। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ के आ जाएगा, और के की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड की थी हमने, नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 16,
के की जगह पे हमने ये पुट कर दी, पहले हमने इसे सॉल्व कर लेना। नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 16 पे डिवाइड कर देना है। फिर हमने e की पावर में वो वाली वैल्यू ले लेनी है, और जो हमारी वैल्यू आएगी उसे हमने 30 से मल्टीप्लाई कर देनी। तो ये हमारे पास 110.04 ग्राम आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आ ब्रीडर रिएक्टर कन्वर्टर द रिलेटिवली स्टेबल अनग्रेन 238 इनटू द आइसोटोप प्लॉट ये नम 239। यानी हमारे पास रेडियो एक्टिव कन्वर्टर है जिसमें स्टेबल यूरियन है 238, इसे हम आइसोटोप प्लॉटिनियम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 239 हो जाते हैं। आफ्टर 15 ईयर, 15 साल के बाद, इट इज़ डिटरमाइंड 0.043% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। यानी 15 साल के बाद जिसकी इनिशियल अमाउंट है वो 0.043% हो जाती है। ए नोड ऑफ द प्लॉटिनियम हैज़ डिस्टिंग्विश, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप। अब हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है आइसोटोप्स की। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन राइट करते हैं, ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, और इनिशियल वैल्यू ए जीरो इज इक्वल टू ए नोड विच वी नाउ गिवन। यानी ये हमें गिवन हो गया ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई की के टी, जो हमने ऊपर इक्वेशन फाइंड की थी। इफ 0.043 इज डिस इंटीग्रेशन ऑफ द आटम्स ऑफ ए नोड, अगर हम इसकी डिस इंटीग्रेशन करें तो इसका मतलब मीन्स दैट 99.957 ऑफ द सब्सटेंसेज। यानी तो इसकी जगह पे हम 99.957% सब्सटेंसेज राइट कर सकते हैं। फर्दर इक्वल टू 0.9957 ए नोड, ये हमारे इसके इक्वल आ जाएंगे। सो दैट फिर हमने क्या करना है, ए 15 आफ्टर 15 ईयर्स था ना, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। इसका हम परसेंटेज ले लेंगे डिवाइडेड बाय 100, जब 100 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.9957 आ गया। अब यहाँ से हमने फाइंड करनी है ए नोड की वैल्यू। हमने यहाँ पे ए 15 की वैल्यू पुट की, ए 15 हमारे यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारे ए नोड ई की के टी, हमने ये यहाँ पे पुट कर दी। अब दोनों साइड पे ए नोड है, ए नोड से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा ई 15 इज इक्वल टू 0.9957। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना था, दोनों तरफ हमने नेचुरल लॉग ले लिए। अब हमें के की वैल्यू चाहिए, तो हम 15 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे। पहले हम नेचुरल लॉग ऑफ दिस रकम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हम 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई के की वैल्यू। उसे हमने ऊपर एग्जैक्ट इक्वेशन भी पुट किया अपनी, ए टी इज इक्वल टू ए नोड ई ये के की पावर टी। फिर हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी, इफ़ टी डिनोट द हाफ लाइफ देन ए टी इज इक्वल टू ए नोड ओवर 2/3, ए नोड ओवर 2 इज इक्वल टू ए नोड ई की पावर -0.002867 टी। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है नेक्स्ट। और अब हम यहाँ से ए नोड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे, और ई की पावर दिस। अब हमने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग 1/2, और ये हमारे पास जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बचेगी हमारे पास। ये हमारे पास आ गया माइनस का नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, हम इस पूरी वैल्यू को इधर आके डिवाइड कर देंगे। अब हमने पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दी, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड किया, ये 24180 ईयर्स आ गए। नाउ लेटर इज़ फिनिश, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे दो टॉपिक रिमेनिंग है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग एंड कार्बन डेटिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।